हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बड़ी खबर आ रही है, उर्मिला मातोंडकर नागरिकता कानून की जो ये लड़ाई है, अब उस पर उर्मिला मातोंडकर का एक बयान आया है। उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि ये रॉलेट एक्ट जैसा है, अंग्रेजों के काले कानून जैसा है, नागरिकता कानून को लेकर। आप अब देखिए, उर्मिला मातोंडकर आगे आई हैं और इस कानून की तुलना अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट से कर दी है और ये कहा है कि अंग्रेजों के काले कानून जैसा है। वो ये बात करते हुए कह रही है कि इंसान ने गांधी जी पर गोली चलाई थी, वो इंसान कौन था? क्या वो मुसलमान था, क्या वो सिख था, या फिर वो ईसाई था? इस तरीके की तमाम बातें करते हुए उर्मिला मातोंडकर ने रॉलेट एक्ट से इस कानून की तुलना कर दी है। आपको याद दिला दूं कि ये जो रॉलेट एक्ट है, ये वो लेजिस्लेशन था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किया गया था, जो ये मानती थी कि आप किसी भी तरीके के केसेस उन तमाम प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों पर कर सकते हैं अगर ब्रिटिश सरकार को ये लगता है कि वो विद्रोह कर रहे हैं, अगर ब्रिटिश सरकार को ये लगता है कि वो उनकी मुखालिफत करते हैं। और इसीलिए उर्मिला मातोंडकर सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए ये आरोप लगा रही हैं और इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से कर रही है। 1919 ईस्वी को लागू किया गया था, साल 1919 8 मार्च वो तारीख थी जब भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए और जो राष्ट्रीय एकता की भावना है उसको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट जो है लाया था। तो उर्मिला मातोंडकर ने इस पूरे के पूरे एक्ट की तुलना ही ब्रिटिशर्स के काले कानून से कर ली है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।